नमस्कार बारवटी धौल एक्सप्रेस को स्वागत कर छिमिणीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपर कटक परे भुवनेश्वर पई मेयर प्रार्थी घोषणा कला कांग्रेस ट्विन सिटी रे बीजेपी और बीजेडी रो प्रार्थी को ने सस्पेंस कटक रे गोटे दिन रे पांच प्रार्थी को नामांकन बंदूक दाखल पई पुलिस रो निर्देश राज्य में सबुठू बड़ साइबर ठके इन्सुरांस ना रे ठकी नेले 2 कोटी 35 लाख केन्दुझर व्यवसायी को चून लगाइले साइबर लुटेरा यूडब्ल्यू और साइबर सेल रो तदंत राजधानी निर्मम हत्या इटारे छेची छेची युवकों हत्या पर पोतिदेले मृतक पलाशुणी अंचल मुकेश चौधरी पूर्व शत्रुता को नहीं हत्याकांड सन्देह कैपिटल हॉस्पिटल ले आसुना डाक्टर राजधानी रे ओपीडी टिकेट पाई रातिरु लागुछि लंबा लाइन टिकेट काउंटर पाखरे सोइबा को पड़ुछि सारा राती फायदा उठाउछन्ती दलाल एवं आसंता बारु बढ़िबो ताती सबुठु ततला हेबो आभ्यंतरण ओ दक्षिण ओडिसा किछि स्थान रे 40 डिग्री छुई पारे तापमात्रा सतर्क रहिबा को विशेषज्ञों को परामर्श कटक परे भुवनेश्वर पई मेयर प्रार्थी घोषणा कला कांग्रेस ट्विन सिटी रे बीजेपी और बीजेडी रो प्रार्थी को ने सस्पेंस जारी रही आज गोटे दिन रे कटक रे पांच प्रार्थी नामांकन दाखल करछन्ते आ निर्वाचन पई स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत करछि पुलिस भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी निर्वाचन पई मेयर प्रार्थी घोषणा कला कांग्रेस मधुस्मिता आचार्य को मेयर टिकट दिया जाव सह 40 रु अधिक कॉर्पोरेटर टिकट बांटी कांग्रेस सेपटे मेयर प्रार्थी नाम बीजेपी घोषणा करिनथले मध्य नेतांक सह विराट पटवार आसी नामांकन भरुछंती आशायी प्रार्थी बीजेडी किंतु कहिछि दल रे कन्फ्यूजन नहीं शीघ्र चूड़ांत तालिका प्रकाश पाइबो आमर महिला कांग्रेस मते सुजोग देछि आज मु सेमान पय जनसाधारण पे चिरकृतज्ञ आपण माने मो संग रहिबे आगुकु मु जिबाकु निश्चिंत चेष्टा करबी आपण मानक सहयोग रहिले कोनोसी दल मते काम करिवो रे मु जितिला पहरे मु मोर वार्ड 52 रे केमति बस्ती थैथान हबो बिजु बाबूंकर स्वप्न को केमति नवीन बाबू जो भली आख्या दे कि संपूर्ण को पूर्ण करछंती सेई मध्ये आमे सेई थरे जडित रहि कि सेई आशा को पूर्ण करबी बोली ए हेउछि भुवनेश्वर एडीएम अफिसर दृश्य नामांकन दाखल पई आशायी प्रार्थी भिड़ जमुछि बीजेपी रु 14 जन एवं बीजेडी आशायी भाबे जणे प्रार्थी नामांकन भरिछंती सेपटे एजबत 552 फर्म बिक्री सरिथवा बेले एकाधिक प्रार्थीपत्र दाखल करिवार संभावना रहिछि तेबे वर्तमान सुधा 15 जन जदिओ मेयर पई फर्म नेइछंती किंतु केही प्रार्थीपत्र दाखल करिनथिबा सूचना मिलिछि समुदाय 581टा बा 581 नॉमिनेशन फॉर्म लोक नहीं बा कैंडिडेट्स नहीं तन्मधुर तृतीय दिवस शेष सुधा केवल 20 जन ही नॉमिनेशन फाइल कर बर्तमान सुधा जदि बर्तमान सुधा कौन से मेयर कैंडिडेट्स से नॉमिनेशन फाइल करना आज पद रिपोर्ट मेयर कैंडिडेट मेयर ये 15 लोक फॉर्म नहीं जाइछन्ते सेपटे सीएमसी निर्वाचन आरंभ हो प्रार्थीपत्र दाखल आज गोटे दिन में 5 जन प्रार्थीपत्र दाखल कर दलय टिकेट घोषणा हो बीजेपी और बीजेडी आशायी मैंने दुई दुईट सीट रे प्रार्थीपत्र दाखल कर देखा मिली सेपटे पौर निर्वाचन प्रस्तुत रही कटक कमिशनरेट पुलिस पेशादार अपराधी कड़ा नजर रखा पूर्व अपराधिक मामलें सामिल थे अपराधी लिस्ट तैयारी हो यह व्यतीत लाइसेंस प्राप्त बंधुकधारी को निकटस्थ स्थान में बंधुक देवाई निर्देश दि जाए बेन निशा कारबार और अपराधिक कार्यकलाप तीक्ष्ण नजर रखा एसबू कार्यकलाप नजर रखापी स्वतंत्र टीम गठन कर सुरक्षा को दृष्टि रखी प्रार्थीपत्र दाखल केन्द्र में पुलिस फोर्स मुतयन कर जो भाव कार्यकलाप
एवं अंचलवासी मो पर पूर्ण विश्वास अच्छी मो दल पर भी विश्वास अच्छी एवं समय अच्छी निश्चित भाव दल तार पुनर्विचार कर मुग्धा रखी जनतार मौलिक समस्या जो सब अच्छी ताकू पूरण करी एवं कटक महानगर निगम अपारगता तथा जो स्ट्रीट लाइट रास्ता घाट एवं जो मशार उपद्रव्य एवं सानिटाइजर से गुरा सब तार केमती उन्नति हे से मु निर्वाचन लड़ी एवं लोक मान आशीर्वाद निर्वाचन को आगे सब प्रार्थी मान को कहने कोविड गाइडलाइंस को पालन करेंगे आम प्रत्येक नॉमिनेशन सेंटर पर अरेंजमेंट दि जाएगी और जो गाइडलाइन अच्छी कि नॉमिनेशन सेंटर भितर के लोक जीवार अच्छी बाहर जो मैंने रैली करके आसवे से जो एसआरसी गाइडलाइन अच्छी पालन करेंगे। कांग्रेस पक्षरु कटक और भुवनेश्वर रे मेयर प्रार्थी घोषणा होता बेले एवं समस्त नजर रही उभय बीजेपी और बीजेडी उपरे। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन प्रशांत बेहरा चिन्मयी साहू और कटक्रु कैमेरा पर्सन सुब्रत विश्वजित दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कटक पौर परिषद निर्वाचन पूर्व आदर्श आचरण विधि उल्लंघन अभियोग गत फेब्रुआरी 28 तारीख पौर निर्वाचन पर आदर्श आचरण विधि लागू करा जाइथिले मध्ये सीएमसी कार्यालय सम्मुखें यार उल्लंघन करा जाइथिबा देखिवा को मिलिछि। कार्यालय सम्मुखें विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्डर विज्ञापन होर्डिंग लागिथिबा बेले एहाकु नै असंतोष प्रकाश पाइछि। अपारग राज्य सरकार ठू आरंभ कर प्रशासन टोटाल अपारग सीएमसी फ्रंट रे पूरा एक्जाक्ट कटक महानगर निगम सामने आडभटाइजमेंट हो राज्य सरकार तार पूरा डायरेक्ट कौचि जमी आज्ञा पंचायत निर्वाचन में पैसा नहीं कि प्रशासनिक अधिकार मैंने जितेबा को लगि पड़ते बीजेडी समर्थित प्रार्थी को कटक सहर निर्वाचन में कीर्ति करने पैसा खाई राजनीति करने आगे आस सामना को आसला राज्यर सबुठू बड़ ठके केन्दुझर जने व्यवसायी साइबर ठक ठकी ने 2,35,00,000 टंका इन्सुरांस अधिक टंका देवाकू कही साइबर ठक व्यवसायी जनक ठकी जमापड़ी इने व्यवसायी जनक क्राइमब्रांच अर्थनैतिक अपराध शाखे अभियोग करने ईओडब्ल्यू और साइबर सेल पक्ष तदंत आरंभ हो दैतनगरीर एक बड़ लुटेरा ग्यांग को गिरफ्त कर चौदर थाना पुलिस कटक और भुवनेश्वर सहित आखपाख अंचल करुले लुटपाट लुट ग्यांगर मुख्य लुटेरा सुब्रत भट्ट सहित तार दुईज सहयोगी देवाशीष स्वई और शुभम कोकटे गिरफ्त को गिरफ्त कर पुलिस एम निकटू 22 सुना चेन जबत हो जहाँ ओजन 295 ग्राम अटे सहित दुईट पल्सर बैक् जबत हो सुब्रत एवं तार ग्यांग सुना अलंकार लुट कर देवाशीष और शुभम पाखे रखुते से ही दुईज लुट अलंकार को तरले मार्केट बिक्री करते जोजोग में किसी सुना दोकानी रही जहाँ को आगामी समय गिरफ्त कर सूचना रही ग्यांग्र मुख्य लुटेरा सुब्रत भटना 2008 रु कमिशनरेट पुलिस विभिन्न थाना 33 मामला रही बेले सहयोगी शुभम कोकटे ना रही 21 मामला इन सूचना देखते कटक डीसीपी प्रतीक सिंह डिस्क्रिप्शन जाणी को वेहिकल से माने मूवमेंट करतेटा टीम से खोजुले और ये भितर गोटे सफलता आमको मिली गोटे बड़ा गैंग अच्छी जो कि कटक और भुवनेश्वर दुटा जिले में बुली बुली कि चेन स्नेचिंग क्राइम और से माने जहाँ जना पड़ी इन्वेस्टिगेशन द्वारा 21 केस कर देछंती जोटी की से माने चेन स्नैचिंग करिछंती और ये माने रेगुलरली चेन स्नैचिंग करी की जोने मिडलमैन द्वारा गोटे सुना व्यापारी को दियंती और से सुना व्यापारी देन से मानकर से मेल्ट करी की या अदरवाइज ताको बिक्री कर दे कि ताको प्रोसेस करे तो ये केस हमारा 22 फरवरी को ही थिला नुआ पटना सेतु पाखे गोटे लेडी जाऊला तार छुआ संगे तार चेन स्नैचिंग हो जाइला तापर ये रिपोर्ट पर आम एम को खोजुलु ये केस रे तीन जन एबे पर्यंत धरा पड़ी इलेक्शन पर सब प्रिपेरेसन हो जाइए आरंभ हो कि गोटे प्रस्तुति बैठक केतटा आमर बूथ अच्छी बूथ रे कौन कौन जदि कोठे किसी प्रॉब्लम अच्छी से सब देखा जाइए और सबू थाना को इंस्ट्रक्शन दिया जाइए कि से माने
प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स नेबे। कलाहांडी शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्या घटना सठिक तदंत दाबी से राज्यपाल भेटला निखिल ओडिशा मेहर समाज। इस समय राज्यपाल को 20,000 मेहर अधिवासी दस्तखत थ एक स्मारकपत्र राष्ट्रपति उद्देश्य प्रदान कर ममिता हत्याकांड मामलें पुलिस सठिक भाव तदंत करूना तेणु ज्युडिशियाल तदंत मेहर समाज पक्ष दावी हो। खबर जारी रहा समय का ब्रेक रहा। कैपिटल हॉस्पिटल अव्यवस्था डाक्तर अभाव अवस्था भोगुंट रोगी ओपीडी टिकेट पर राति लगुच लंबा धाड़ी राति जाक टिकेट काउंटर पाखे शु रहा पड़ी उभय रोगी और संपर्क को। राजधानी भुवनेश्वर समेत खोर्धा नयगढ़ पुरी जिलार अधिकांश लोके कैपिटल हॉस्पिटल निर्भर करुवा बेले एवं कैपिटल हॉस्पिटल अव्यवस्थार विकल चित्र सामना को आ कैपिटल हॉस्पिटल रो व्यवस्था ओपीडी टिकेट पाई लागुछि लंबा लाइन टिकेट खंडे पाइबा कु राती राती काउंटर आगे सोई रहुचंती लोके प्रथमे 40 जन को मध्यरे स्थान पाइबा कु लागुछि सते जमिति प्रतियोगिता। कैपिटल हॉस्पिटल रो सबु विभाग रे एमिति स्थिति गोटे सप्ताह पूरा आसी कि सप्ताह रे 3 दिन आसी सोमवार बुधवार सुख 3 दिन आसी फेरि जाय जे टिकेट मिललानी लास्ट को आज आसली रात शोकर टिकेट नेबी आउ दी थर आस लोक मैंने सब चिन्ह देखिए बोतल कि हेलमेट कि चपल इन सब चिन्ह देखिए पड़ुँच थर आस फास्ट टाइम आस रात 3 आसली टिकेट पाइल मैंने 3 आस 40 आगे बोतल थोदे तापर सेकेंड टाइम आसल सियापर आज बाध्य ना दुकान बंद करके आसली रात ढड़ा भी पड़े टिकेट नहीं जी कष्ट तो बहुत होथापि कौन करवा बापा देह बहुत खराब आईटा भी आगे मुख्य रोज से कमटा भी तेणु जिते कष्ट पचे भी आज रात सारा अनिद्रा रही टिकेट नहीं जी आ शुणिले तो कैपिटल हॉस्पिटल रे जने न्यूरोलॉजी विभाग रे चिकित्सित होउथबा रोगी संपर्कियों कह प्रथम 40 जन टिकेट पाइबा को एठी लागुची प्रतियोगिता कारण एठारे न्यूरोलॉजी विभाग रे चिकित्सा पाई मात्र जने डाक्तर रही आउ से डाक्तर सप्ताह को थरे ओपीडी रे रोगी को चिकित्सा करती टिकेट तो पाइबापी शुणिल टिकेट सडन आसले टिकेट मिल पार नहीं गाड़ी मटर टे असुविधा आसवाटा दिन उठू आसलू टिकेटा पाइबापी सरल टिकेटा मिल पार त्रुटि रोज जाए टिकेट अति 30-40 रोज तेणुक त्रुटि रोज टिकेट 80-100 रहा त्रुटि किसी असुविधा आपको रहा डाक्तर अभाव अवस्था भोगुंट रोगी जड़े डाक्तर भरोसा चली कैपिटल हॉस्पिटल न्यूरोलॉजी विभाग केवल यही विभाग नुहे अन्न्य विभाग में सामान दोषा दूर दूरांत आसुवा रोगी विभिन्न समस्या सम्मुखीन होती आ यार सुजोग नहीं पुणि थे कैपिटल हॉस्पिटल रे दलाल माने सक्रिय होइतिबार अभियोग होइछि। आम डॉक्टर अपेक्षा डॉक्टर 4 रिपोर्ट देखिलु डॉक्टर तो पड़े काली आसे रिपोर्ट न बुझा कौन रिपोर्ट कहते पिला बाहर जेहेतु रोगी एपट सेपट जावासा करते आम कौन से रहीपरू कि पिला कहले रोगी पलैला आम तुम रूम को नहीं जाऊँ ये अपेक्षा कर राजधानी चिकित्सा सेवार लाइफलाइन कैपिटल हॉस्पिटल। कैपिटल हॉस्पिटल भली डाक्तरखाना रे डाक्तरों अभाव राज्य सरकार पारिपणिया उपरे प्रश्न उठाई आ पदारे पड़ी स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास पारिपणिया कैपिटल हॉस्पिटल व्यापक अव्यवस्था थिबा बेले केबे पड़िबो स्वास्थ्य विभाग नजर ए दिगरे ध्यान दे टिकेट संख्या वृद्धि करने को साधारण दाबी होइछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन संजीव कुमार महंती अभिनव आदित्य नायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राजधानी रे निर्मम हत्या इटारे छेची छेची हत्या परे इटा फाटी रे पोती देथिले मृतदेह मृतकों ना मुकेश चौधरी से पलाशुणी अंचल रे श्रमिक भाव में काम करती गतकाली राति रे तांको हत्या करा जेतिबा संदेह करा जाउछि। हत्या पछरे पूर्व शत्रुता थिबा संदेह करा जाउछि। घटनास्थल रे मंचेश्वर पुलिस पहुंची तदंत करछि। आमर सीनियर अफिसर आसुछन्ते सीनियर अफिसर आसले इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू अछि सर साइंटिफिक टीम आसीबो कि छानबीन करिवो आसुछन्ते साइंटिफिक सर गोटे कथा होछि ना से एठी लेबर थिला ना से गोटे माने गोटे गोटे सीमेंट गोदाम रे काम करे तो जने सिडनाम गोदाम रे काम करथा लेबर को काहे कि जने मारिवो
ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲା ପରେ ଆସିଲା ସାର୍ ଚୋରି କେସ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହଁ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ରେ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିଛି ହେଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମର୍ଡର ହେଇଛି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଜେଲ୍ର କିଛି ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଚେକ୍ କରିବେ କି କାହା କାହା ସହିତ ମିଶୁଥିଲା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆଙ୍ଗେଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦନ କିଏ ପତା ଲଗେଇଲେଣି ସେ ବି ଘରେ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି ଆଫ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ଯାହା କହିହେବ ଆସନ୍ତା 12ରୁ ବଢ଼ିବ ଖରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ପାରଦ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖରା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ତାତି ଖରା ତାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଯାଏ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଆଗାମୀ 12 ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ ଖରାର ମାତ୍ରା ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିବ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 3 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ ଅନୁଗୁଳ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 4 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ 12 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଛୁଇଁପାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଯେପରିକି ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଞ୍ଜାମରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବ 12 ତାରିଖରୁ 14 ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ହୁଏତ 39 ଡିଗ୍ରୀ ତାଠୁ ଅଧିକ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରିକି ଆମେ ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଣିପାଟଣା କହିବା କି ଭଣିପାଟଣା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 10 ତାରିଖରେ 39 ଛୁଇଁପାରେ ଓ 11-14 ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 39-40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କହିବା ଯଦି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କହିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 11 ବେଳକୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ପବନ ଆସୁଛି ଆଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ ତେବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସରିଲେ ତାପମାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରୁତ ରହିବ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 35-37 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 33-34 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 36.8 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 33.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 33.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 35-37 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳରେ ଆପଣଙ୍କର 33-34 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ତା ଛଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ 36.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 33.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକଠାରେ 33.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି 12ରୁ ବଢ଼ିବ ତାତି ଖରାରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ତେଣୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟଙ୍କା କରି ମିଳୁଛି ଜଳଖିଆ ତା ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ଏହା ସହିତ ସତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାହୁ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି ଏହି ଟଙ୍କିକିଆ ଜଳଖିଆ ଦରଦାମ ହୁଏ ବଢ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାହୁ କରିଥିବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ବଢ଼ିନି ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦର ତେଲରୁ ବାହାରି ପରସ ଯାଉଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିଏ ଲଙ୍କା ମଡ଼ାଇ ଖାଉଛି ତ କିଏ ଚଟଣି ତରକାରୀ ସହ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାହୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନର ଏହି ମହଙ୍ଗା ଦୁନିଆରେ ଏଠି ଟଙ୍କା କରି ମିଳୁଛି ବରା କଟଲେଟ୍ ଆଳୁଚପ୍ ଗୁଲୁଗୁଲା ଯାହା ଖାଅ ଟଙ୍କାଟେ
ସେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ। ଏଣୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କିକିଆ ବରା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟରେ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାହୁ ଏହି ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ଏହି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦରଦାମ 100% ବଢ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଢ଼ିନି ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦର। ଏମିତି ପ୍ରଥମରୁ 50 ପଇସା କରିଥିଲି, ତାପରେ ଟଙ୍କାଟେ କଲି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ରେଟ୍ ରାଟ୍ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ କରୁଛି। କକ୍ଲେଟ୍ କରେ, ବରା, ଗୁଲୁଗୁଲା, ଆଉ ଆଳୁଚପ୍, ଏ 3-4 ଆଇଟମ୍ କରୁଛି ଆଉ। କହିକି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ। ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଡେଲି ଗ୍ରାହକ। ଏହି 15 ବର୍ଷରେ ଜଳଖିଆର ଆକୃତି ସିନା ବଦଳି ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଦାମ ଓ ସ୍ୱାଦ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିଥିବା କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଖାଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣୁଛି, ଏଇଠି ଖୁଆଉଛି, ଆମ ଘରକୁ ବି ମା ଆସି କେତେ ଶୁଣିଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଏହା ବାଗିଆ କେଉଁଠି ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଲୁଗୁଲା କରୁଛନ୍ତି, ଚପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁଲୁଗୁଲା କକ୍ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କକ୍ଲେଟ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ରେଗୁଲାର ପ୍ରାୟ କଟଲେଟ୍ ଆଉ ବରା ଖାଏ, ଆଙ୍କର ଘୁଗୁନି ଟେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଉ ସବୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ମିଳୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଜରି ପାଲ ତଳେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ଆସୁଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ। ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନଟିଏ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।